आज ही सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स को और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सांसों की बदबू से कैसे छुटकारा पा सकते हैं हम, कैसे मुंह में से आने वाली बदबू से हमेशा हमेशा के लिए हम निजात पा सकते हैं। दोस्तों, मुंह से बदबू आना या फिर सांसों की जो बदबू होती है वो बहुत ही शर्मनाक होती है, और इसके साथ साथ ये बहुत ही गंभीर समस्या भी है। लेकिन इसके बहुत सारे रीज़न भी हैं दोस्तों कि हमें सांसों की बदबू क्यों होती है। इसके रीज़न क्या क्या सामने आए हैं दोस्तों, ज़्यादातर पाया गया कि पेट की खराबी होने की वजह से जो है हमारे मुंह से बदबू आना स्टार्ट हो जाती है, या फिर जिन लोगों को सीने में छाती में दर्द रहता है उनको ये समस्या होती है, खट्टे डकार बार बार आते हैं उसकी वजह से मुँह से बदबू आती है, या फिर जिन लोगों का मुंह ज़्यादा सूखता है, जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करते जाते हैं उससे उनका मुंह सूखने लगता है, और बीच बीच में अगर वो पानी नहीं पीते हैं तो ये समस्या उनको हो जाती है। दोस्तों, मुंह का इन्फेक्शन भी इसका एक रीज़न है। कई बार मुंह में जो है छाले बार बार होते हैं तो उसकी वजह से कई प्रॉब्लम और भी हो जाती हैं, तो मुंह का इन्फेक्शन भी इसका एक रीज़न है। और कुछ लोग खाना खाने के बाद जो है कुरला नहीं करते, तो अगर वो कुरला नहीं करते हैं तो उस वजह से भी उनके मुंह से बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसी रेमेडीज बताऊंगी जिनमें से कोई भी एक रेमेडी को फॉलो करके आप अपनी मुंह की बदबू से, सांसों की बदबू से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो कि मैंने ये दो चीजें ली हैं, लेमन और जिंजर। इन दोनों के इस्तेमाल से मैं कैसे आज की रेमेडी को तैयार करूंगी, आइए जानते हैं। सांसों की बदबू, मुंह की बदबू से छुटकारा पाने के लिए जो फर्स्ट रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ उसमें हम इस्तेमाल करें हैं लेमन का। लेमन के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं जिससे हमारा माउथ जो है एकदम फ्रेश फील करता है, और साथ साथ इसके और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं दोस्तों। तो पहले हम जान लेते हैं कि हमने करना क्या है। हमने इस तरह से लेमन को कट कर लेना है और इसके सीड्स को सेपरेट कर लेना है, और इसके साथ जो हमें एक चीज़ चाहिए वो है ल्यूक वार्म वाटर, यानी कि गुनगुना पानी। यहाँ पर मैंने एक गिलास गुनगुना पानी लिया है, और यहाँ लेमन का मैं वन स्लाइस ले रही हूँ, यानी कि हाफ लेमन ले रही हूँ, और इसको मैं इसमें स्क्वीज कर लेती हूँ। इसको अच्छे से इसमें हमने मिला देना है। आप देख सकते हैं कि इसमें से जूस गिर रहा है, जैसे अच्छे से जूस इसमें जब ऐड हो जाएगा तो इसमें जो है बेनिफिट्स पूरे इस पानी के अंदर आ जाएंगे। और ये गुनगुना पानी है दोस्तों, और गुनगुने पानी के अंदर जब नींबू का रस मिल जाता है तो उसके फायदे डबल हो जाते हैं हमारे शरीर के लिए, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इस पानी को पीने से या फिर इस पानी के कुरला करने से हमारे मुंह की बदबू जो है वो तो दूर होगी ही होगी दोस्तों, लेकिन आपके पेट संबंधी समस्याएं भी सारी दूर हो जाएंगी। अब हमने क्या करना है दोस्तों, इस पानी से हमने सुबह शाम कुरला करना है दिन में दो बार, और फिर जो पानी बच जाएगा आपने उसको पीना है। फिर आपने दोस्तों इसको डेली करना है, और 3 से 4 दिन अगर आप इसको डेली करेंगे तो आपके मुंह की बदबू जो है वो दूर हो जाएगी, सांसों से आने वाली बदबू भी दूर हो जाएगी, और आपको किसी के सामने शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस रेमेडी को जरूर फॉलो कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। सेकेंड रेमेडी को तैयार करने के लिए हमें यहाँ पर जिंजर चाहिए, जिंजर यानी कि अदरक। अदरक के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि हमारे मुंह की बदबू को दूर करने के साथ साथ माउथ इन्फेक्शन को, यानी कि मुंह के इन्फेक्शन को, संक्रमण को भी दूर करती हैं। तो दोस्तों, हमने करना क्या है, छोटा सा टुकड़ा हमने अदरक का ले लेना है, उसको पील ऑफ करके अच्छे से वॉश करके उसको ग्रेट करके उसका जूस निकाल लेना है। उस जूस को हमने एक दूसरे इंग्रेडिएंट के अंदर ऐड करना है, वो है ल्यूक वार्म वाटर, यानी कि गुनगुना पानी। जी हाँ दोस्तों, आपने गुनगुने पानी के अंदर अदरक के जूस के 2 चम्मच डालने हैं, यानी कि 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है और 2 चम्मच जो है अदरक का जूस डालना है। उसको अच्छे से मिलाने के बाद आपने सुबह शाम इससे कुरला करना है।
कुरला करने के बाद जो पानी बच जाएगा दोस्तों उसको आपने पी लेना है। इससे आपका पेट साफ रहेगा, किसी तरह की कब्ज अगर आपको है तो वो भी दूर हो जाएगी और आपका माउथ एकदम से फ्रेश फील करेगा। तो दोस्तों ये रेमेडी भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई भी एक नुस्खा, कोई भी एक रेमेडी फॉलो कर सकते हैं अपनी मुँह की बदबू से छुटकारा पाने के लिए। सांसों की बदबू से अगर आप परेशान हैं, मुँह की बदबू से परेशान हैं, तो इन दोनों रेमेडीज में से कोई भी एक रेमेडी फॉलो कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए फटाफट से और कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके मुझे जरूर जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मेरी वीडियोस पसंद आने पर सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, बाय बाय।